फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में। मैंने आपको ह्यूमन लुक्स एंड क्वालिटीज़ के बारे में सिखाया, आपको याद होगा है ना? पिछले वीडियो में हमने ये सीखा। तो ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, लुक्स यानी उसका रूप रंग, और क्वालिटी यानी उसके अंदर रहे हुए गुण। इसमें मैंने आपको 12 शब्द सिखाए। चलिए अब हम आगे सीखते हैं। तो दोस्तों, आगे का शब्द है कूल। कूल माने शांत, कूल माने शांत या ठंडा, ठीक है? तो अभी जो भी हम शब्द सीख रहे हैं उसका उपयोग हम सबसे पहले खुद के लिए सीख रहे हैं, है ना? तो अभी हम ये शब्द का उपयोग दूसरे किसी के लिए इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं, पहले हम ये शब्दों का उपयोग खुद के लिए कर रहे हैं, फिर मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि इसका उपयोग हम दूसरे लोगों के लिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो शब्द है कूल। कूल का मतलब होता है शांत या फिर ठंडा। अब मान लीजिए हमें खुद को बोलना है कि मैं ठंडा हूं या फिर मैं शांत हूं, तो हम कह सकते हैं आई एम कूल। आप भी बोलिए मेरे साथ, आई एम कूल। बोलिए आई एम कूल, और एक बार मैं ठंडा हूं। आप इंग्लिश में ही बोलते रहेंगे, मैं ठंडा हूं, मैं शांत हूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो शब्द है वो है डेंजरस। कौन सा शब्द है? डेंजरस, ठीक है? तो डेंजरस जो शब्द है उसका मतलब होता है भयानक। क्या मतलब होता है उसका? भयानक। मान लीजिए हमें खुद के बारे में बोलना है कि मैं भयानक हूं, तो हम कैसे बोलेंगे? तो हम कह सकते हैं आई एम डेंजरस। बोलिए मेरे साथ, आई एम डेंजरस। बोलिए मैं भयानक हूं। आप इंग्लिश में ही बोलिए, मैं भयानक हूं। वेरी गुड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति काला है तो काले को हम ब्लैक कहते हैं, ऐसे है ना? लेकिन रंग रूप से अगर जब हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, बराबर, तो व्यक्ति के बारे में हम ब्लैक शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। तो व्यक्ति अगर काला है तो हमें बोलना चाहिए डार्क। क्या बोलना चाहिए उसे? डार्क। मान लीजिए हम काले हैं, मैं काला हूं, तो मैं खुद के लिए कैसे बोलूंगा? मैं कहूंगा आई एम डार्क। बोलिए मेरे साथ, आई एम डार्क। और एक बार, मैं काला हूं। आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, मैं काला हूं। और एक बार, मैं काला हूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे का शब्द है डफर, ठीक है? तो डफर का यहाँ पर मतलब होता है सुस्त दिमाग वाला, यानी कि पढ़ाई में वो थोड़ा सा वीक है, उसका दिमाग थोड़ा सा सुस्त है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डफर। बोलिए मेरे साथ, डफर, ठीक है? अब डफर का उपयोग हम खुद के लिए कैसे कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं आई एम डफर। बोलिए मेरे साथ, आई एम डफर। और एक बार, आई एम डफर। आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, मैं सुस्त दिमाग वाला हूँ। बोलिए मैं सुस्त दिमाग वाला हूँ। यस फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम खुद के लिए डफर शब्द का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का वर्ड है डल। कौन सा वर्ड है? डल। डल का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला, ठीक है? मान लीजिए हम खुद अगर मंद बुद्धि वाले हैं, है ना, तो हम खुद के लिए इसका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? हम बोलेंगे आई एम डल। बोलिए आई एम डल। और एक बार बोलिए आई एम डल। बोलिए मैं मंद बुद्धि वाला हूँ, मैं मंद बुद्धि वाला हूँ, ठीक है? दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये सारी चीजें मैं आपसे बुलवा रहा हूँ। दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस। हम सिर्फ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको वाक्य बनाना आए और आपको शब्द भी पता चले कि इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, है ना? तो आप कुछ भी प्लीज गलत मत सोचिएगा और इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो वर्ड है वो है एंथुजियास्टिक। बोलिए मेरे साथ, एंथुजियास्टिक। और एक बार बोलिए एंथुजियास्टिक, है ना? तो एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही या उत्साह में होना। अब मान लीजिए हम अगर खुद उत्साही है या उत्साह में रहते हैं, तो हम खुद के लिए बोल सकते हैं आई एम एंथुजियास्टिक। बोलिए मेरे साथ, आई एम एंथुजियास्टिक। और एक बार बोलिए आई एम एंथुजियास्टिक, यानी कि मैं उत्साही हूँ, मैं उत्साह में हूँ। चलिए आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, मैं यहाँ पे हिंदी में बोलूंगा। बोलिए मैं उत्साही हूँ। वेरी गुड।
मैं उत्साही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे का जो वर्ड है वो है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में निष्णांत होना, यानी कि कोई भी चीज हमें बखूबी आना, तो उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट। जैसे कई व्यक्ति क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट होते हैं, कई लड़कियां जो होती हैं या स्त्रियां होती है वो खाना बनाने में एक्सपर्ट होती है ना। कुछ लोग झूठ बोलने में भी एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तो एक्सपर्ट का मतलब होता है निष्णांत, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम खुद अगर निष्णांत हैं तो हम कैसे बोलेंगे, खुद के लिए हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे आई एम एक्सपर्ट। बोलिए मेरे साथ, आई एम एक्सपर्ट। और एक बार बोलिए, आई एम एक्सपर्ट, मैं निष्णांत हूँ। आप इंग्लिश में ही बोलिए, मैं निष्णांत हूँ। वेरी गुड फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो वर्ड है वो है फेयर। फेयर यानी गोरा। फेयर का क्या मतलब होता है? गोरा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर गोरा है तो हम फेयर शब्द का उपयोग करेंगे। चलिए मान लीजिए आप गोरे हैं, तो हम खुद के लिए, है ना, खुद के, अपने खुद के लिए हम बोल सकते हैं आई एम फेयर। बोलिए आई एम फेयर। और एक बार बोलिए आई एम फेयर, ठीक है। मैं यहाँ हिंदी में बोलूंगा, आप चीटिंग मत कीजिएगा, आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। चलिए बोलिए, मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो शब्द है वो है फेमस। फेमस यानी प्रसिद्ध। फेमस का क्या मतलब होता है? प्रसिद्ध, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर प्रसिद्ध है तो हम उसे फेमस कहेंगे, ठीक है। आप खुद मान लीजिए मैं खुद प्रसिद्ध हूँ, तो मैं खुद के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ? तो मैं कहूंगा आई एम फेमस। आप भी बोलिए मेरे साथ, आई एम फेमस। बोलिए आई एम फेमस। आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, बोलिए मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ। वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो वर्ड है वो है फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। फास्ट का क्या मतलब होता है? तेज, ठीक है। तो खुद के लिए हम बोलेंगे आई एम फास्ट। बोलिए मेरे साथ, आई एम फास्ट। और एक बार, आई एम फास्ट, मैं तेज हूँ। बोलिए मैं तेज हूँ। और एक बार, मैं तेज हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का वर्ड है फैट। फैट यानी मोटा। फैट यानी मोटा या मोटी, ठीक है ना। तो खुद के लिए हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे आई एम फैट। बोलिए आई एम फैट। बोलिए आई एम फैट। बोलिए मैं मोटा हूँ। आप इंग्लिश में ही बोलते रहिए, मैं मोटा हूँ। बोलिए मैं मोटा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो वर्ड है वो है फियरफुल, ठीक है। फियरफुल का मतलब होता है डरा हुआ या डरपोक, ठीक है। अगर मान लीजिए हम डरपोक हैं तो हम खुद के बारे में बोल सकते हैं आई एम फियरफुल। बोलिए मेरे साथ, आई एम फियरफुल। और एक बार बोलिए आई एम फियरफुल। और एक बार बोलिए मैं डरपोक हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरपोक हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो वर्ड है वो है फियरलेस, ठीक है। तो फियरलेस का मतलब होता है नीडर, मतलब हम किसी से नहीं डरते, हम नीडर हैं, ठीक है। तो नीडर को इंग्लिश में कहा जाता है फियरलेस, ठीक है। तो खुद के बारे में हम बोल सकते हैं आई एम फियरलेस। बोलिए मेरे साथ, आई एम फियरलेस। और एक बार बोलिए आई एम फियरलेस। आप इंग्लिश में ही बोलिएगा, मैं नीडर हूँ, मैं नीडर हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो वर्ड है वो है फाइन। फाइन का मतलब होता है मजे में होना, ठीक है। तो हम खुद के बारे में बोल सकते हैं आई एम फाइन। क्या कहेंगे हम? आई एम फाइन। आई एम फाइन का मतलब हुआ मैं मजे में हूँ। बोलिए मेरे साथ, मैं मजे में हूँ, ठीक है। आई एम फाइन, ओके। आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। बोलिए मेरे साथ, मैं मजे में हूँ, मैं मजे में हूँ, मैं मजे में हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इतने शब्द सीखते हैं। आगे सीखने के लिए आप हमारा आगे का वीडियो देखिए, बराबर। और आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपके जो भी रिव्यूज हैं वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0942687067।
याद रखिए, आप इस पे अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से है वो लिखिए, और आप हमें बताइए कि ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।